बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। देखिए मैं आपको एक बार नमो घाट की तस्वीर दिखा दूं, यहाँ पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि यहाँ पर बाकी और जो आम लोग हैं उनके आने पर एकदम पाबंदी से लग गई है। एसपीजी की टीम आपको दिख जाएगी, सुरक्षा कर्मियों का पहरा दिख जाएगा। इसके अलावा दशाश्वमेध घाट से नमो घाट की जो दूरी है वो 2 से 2.5 किलोमीटर बताई जाती है। आपको बता दें पीएम मोदी क्रूज में सवार हो चुके हैं और अब से कुछ ही देर में यहाँ नमो घाट पर पहुंचेंगे और वो दृश्य भी देखने लायक होगा क्योंकि बहुत ही सुंदर ये घाट है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करेंगे जो कि मीडिया के हैं, लेकिन उसके बाद यहीं से रोड के माध्यम से काल भैरव मंदिर जाएंगे। आपको बता दें जिला कार्यालय की अगर हम बात करें, जिलाधिकारी कार्यालय में वहां पर भी सुरक्षा का जबरदस्त पहरा, लेकिन ये आप नमोघाट की खूबसूरती देख रहे हैं। यहाँ जगह जगह पर ऐसे बोट्स मिल जाती है, लोग आते हैं रोज यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक। जो पर्यटक है, पर्यटकों का तांता लगा रहता है, इसे सेल्फी प्वाइंट भी कहा जाता है और बेहद सुंदर। अब से कुछ देर पहले आप एक स्वच्छता मिशन की मोदी की बात कर रहे थे, उस मिशन को यहाँ पर कारगर होते हुए देखा जा रहा है। वाराणसी के घाटों की जब भी बात होती थी तो गंदगी का अंबार हम देखते थे आज से 10 साल पहले, लेकिन 10 सालों में वाराणसी की और यहाँ के घाटों की गंगा सूरत है। आज के दिन जो है गंगा जी शिव जी के जटाओं में उपस्थित हुई है, इसलिए उनका एक तरीके से अवतरण ही है। इसलिए आज का जो पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और नॉमिनेशन वाले दिन सर आए हैं तो फिर उनका नॉमिनेशन होने से विजय प्राप्ति का भी सभी ब्राह्मणों ने उनको महाविजय प्राप्ति रस्तो ऐसा आशीर्वाद दिया है। सब्जी का विजय प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद दिया है। अच्छा प्रधानमंत्री जी तीसरी बार बनारस से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ये बनारस के घाट में बहुत तब्दीलियां हमने भी देखी है, आप चूंकि जिस पक्ष से आते हैं पंडित पक्ष, उसका यहाँ पर बनारस को लेकर के एक अलग लगाव है और एक अलग व्यू है। जी, आपका क्या कहना, तीसरी बार जो वो चुनाव यहाँ से लड़ने जा रहे हैं, 10 साल में क्या बदलाव देखे आपने? हम लोग जब बचपन में देखते थे, जैसे 15 साल पहले देखते, तो गंगा जी का स्थिति अच्छा नहीं था, बहुत ही कंडीशन अच्छा नहीं था, सब माला फूल वस्त्र फेंकते थे। लेकिन जब से मोदी सर आए उससे एकदम अच्छा सफाई होने लगा है, लोग भी ध्यान देने लगे हैं, उनकी अपील पर लोग ध्यान देते हैं, साफ करते हैं, अपने मन से साफ करते हैं लोग, इसलिए साफ होने लगे हैं धीरे धीरे। तो आज जो पूजा प्रधानमंत्री जी ने की है, तो आप लोगों ने उनको क्या आशीर्वाद दिया है? उनको इस जो चुनाव चल रहा है सभी चरणों में प्रचंड विजय का आशीर्वाद दिया है सभी ब्राह्मण। तो देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर देखिए अब लगातार जो है पुलिस की गाड़ियां हैं वो एकदम गश्त यहाँ पर लगा रही हैं। एकदम दुकानें जो आसपास की हैं वो आज बंद हैं और अब इंतजार हो रहा है कि वो एक कुछ देर बाद का पल होगा जब पीएम मोदी को हम यहाँ देखेंगे। ये नमो घाट है, इसकी खूबसूरती का हम जिक्र कर रहे थे। आपको बता दें वाराणसी सीट की अगर हम बात करें तो अंतिम चरण में यानी कि 1 जून को यहाँ पर मतदान होना है। पिछले 10 सालों में जब भी हमने लगातार देखिए कल रोड शो से पहले जब काशी की जनता से हम बात कर रहे थे तो लोकल लोगों का कहना है कि मोदी ने सूरत और सीरत ऐसी बदली है जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये लगता ही नहीं था कि संकरी गलियों का चौड़ीकरण हो जाएगा, मकानों की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है उसको लेकर तो बहुत ज्यादा प्रभावित है। लेकिन एक बार फिर से संतोष थोड़ा यहाँ पर तस्वीरें दिखाइए। देखिए हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं लेकिन एक बार पूरा शेड्यूल मैं आपको बता दूं। दशाश्वमेध घाट पर पीएम मोदी अब से कुछ देर पहले थे, वहां उन्होंने पूजा अर्चना की 10:15 बजे का काल भैरव मंदिर में। ये माना जा रहा है कि यहाँ पर 40 बजे नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, उसके बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी जाएंगे। लेकिन सुचारिता ये तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, ये वो गंगा है जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि मैं यहाँ नहीं आया हूँ, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। और अब तो अपने आखिरी ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा कि माँ गंगा ने उनको गोद ले लिया है, इसीलिए इस गंगा की स्वच्छता का जो प्रण पीएम मोदी ने लिया था वो इन तस्वीरों में बाखूबी देखने को मिल रहा है। आपको सुचारिता में एक बार फिर से शेड्यूल बता देती हूँ, 10:15 बजे काल भैरव मंदिर जाने का प्रोग्राम है, 11:40 बजे नामांकन पत्र दाखिल होगा। सुचारिता ओवर टू यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने दशाश्वमेध घाट पर गंगा पूजन किया है और अब क्रूज की सवारी करते हुए नमो घाट पहुंचेंगे थोड़ी देर में। नमो घाट से तस्वीर प्रियंका दिखा रही हैं आपको, यहां कलेक्ट्रेट दफ्तर की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं क्योंकि यहां पर लोगों का जुटना शुरू हो गया, बहुत से लोगों को लगता है प्रधानमंत्री की झलक। मैडम आप कुछ कह रही थी, अभी जरा कैमरे पर बताइए
अब चेहरा छुपाने का समय थोड़ी है, अब तो बोलने का समय। क्या मैं मोदी जी को देखने के लिए आई हूँ अपना सारा काम छोड़ करके, और मुझे पैर तो इस समय नहीं छुपाऊंगी क्योंकि समय नहीं है उनके पास, लेकिन मैं देख लूंगी तो समझूंगी मेरे भगवान है, हमने देख लिया, मैं सब काम छोड़ करके आई हूँ। हाँ वो मेरे भगवान है। आप तो बड़ी भावुक नजर आ रही है बोलते। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। अरे आपके तो आंखों में आंसू आने लगे। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, मतलब कितना मुझे, मैं तो कोई, अगर मैं तो ये सोचती मेरा घर पास में ही है, सोचते हैं कि हाँ अगर आ गए और उनसे ना मिले तो समझिए कि फिर बेकार है यार, है ना, बेकार है। ये देख लीजिए इस रिश्ते को आप क्या कहेंगे, ये कमाई है एक सांसद की और एक प्रधानमंत्री की, वो सब कुछ छोड़कर आई हैं और भावुक इतनी हो गई हैं कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लग गए। मैं आपको ये बता रही हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि दशाश्वमेध घाट से नमो घाट की ओर निकले हैं और अब थोड़ी देर बाद वो यहाँ कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचेंगे अपने नामांकन के लिए। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। माथे पर त्रिपुंड, हाथ में त्रिशूल, शिव की भक्ति में लीन और चाल में सनातन की मान का अभिमान, जिस महादेव की साधना ने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधान सेवक बनाया, जिस शक्ति की परम भक्ति से नरेंद्र मोदी को राजयोग का अखंड वरदान मिला, जिन भोले शंकर की दिव्य आराधना से मोदी को अक्षय अभिदान मिला, एक बार फिर पूरी काशी मोदी मोदी के नारों से गूंज रही है। यही है वो प्रधानमंत्री मोदी की शिव साधना, यही है वो विजय की प्रेरणा जो तीसरी बार जीतने की शक्ति दे रही है। सुमना भव नमत आयुधाय नाताय धृतवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यामानो। शिव धाम काशी में महादेव के परम भक्त मोदी के स्वागत के लिए तैयारियां ये बताने के लिए काफी थी कि इस बार भी मोदी की शिव भक्ति कुछ चमत्कार करने वाली है। काशी में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में भोजपुरिया अंदाज भी दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में जनसैलाब उमड़ पड़ा, क्या आम क्या खास, सड़कों पर जहां तक नजर जाए उधर लोग ही लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों का यह हुजूम ये बताने के लिए काफी है कि काशी की जनता का मिजाज क्या है। करीब 4 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो चला। इस दौरान सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि पिछले 10 सालों में काशी में विकास की किस तरह गंगा बही, जिसने काशी की तस्वीर बदल कर रख दी। गंगा जीवनदायिनी है तो काशी मोक्ष की नगरी है, जिसके नाम के साथ ही रस जुड़ा है। बनारस यहाँ काशी विश्वनाथ का वास है। ये वो काशी है जो हमेशा से ज्ञान का केंद्र रहा है। ये वो काशी है जो अध्यात्म ही नहीं सत्ता का केंद्र भी माना जाता है। माँ गंगा की अविरल धारा को साक्षी मानकर नरेंद्र मोदी एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी में है। तभी तो प्रधानमंत्री मोदी को 24 के चुनावी रण में सौभाग्य मिला है काशी से तीसरी बार नामांकन भर के हैट्रिक लगाने का। वाराणसी में 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। प्रधानमंत्री मंगलवार यानी 14 मई को अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के सामने कांग्रेस के अजय राय हैं। यू तो मोदी कई बार काशी पहुंचे हैं, लेकिन इस बार मौका वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन भरने का है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो पूरी दुनिया ने देखा, काशी ने देखा, यूपी ने देखा और हर शिव भक्त सनातनी ने देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर पीएम मोदी ने की पूजा अर्चना, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पीएम मोदी ने किया गंगा पूजन। पीएम मोदी ने मां गंगा का दूध से अभिषेक किया, नामांकन से पहले पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने की मां गंगा की आरती, मां गंगा की परिक्रमा भी की, नामांकन करने से पहले पीएम मोदी ने आशीर्वाद लिया। नामांकन दाखिल करने से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया, कहा काशी से मेरा रिश्ता अद्भुत, अभिन्न और अप्रतिम, इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी के नामांकन में शामिल होंगे चार प्रस्तावक, पहले प्रस्तावक पंडित गणेश्वर शास्त्री, दूसरे प्रस्तावक बैजनाथ पटेल, तीसरे प्रस्तावक लालचंद कुशवाहा और चौथे प्रस्तावक संजय सोनकर। वाराणसी में सीएम योगी ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, सीएम योगी ने जेपी नड्डा का अभिवादन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी के 3 जिलों में करेंगे चुनावी प्रचार, अमेठी, बाराबंकी, लखनऊ कैंट में जनसभा को करेंगे संबोधन। हिमाचल के मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत आज भरेंगे नामांकन, पर्चा भरने से पहले कंगना करेंगे रोड शो, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद रहेंगे। तो मैं आगे बढ़ेंगे जहां पर आज उत्तर प्रदेश और दिल्ली के दौरे पर रहेंगे एमपी के सीएम मोहन यादव, लोकसभा चुनाव को लेकर करेंगे प्रचार, बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का निधन, लंबे समय से चल रहे थे कैंसर से पीड़ित, परिवार में पसरा मातम का माहौल। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की अपील पर आज होगी सुनवाई, 7 साल की सजा के खिलाफ